हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। और आप सभी के लिए एक नया फ्रेश बैच यहां पर लॉन्च किया जा रहा है बिलासपुर ब्रांच कोको कंपटीशन कम्युनिटी के द्वारा। जी हां, महिला पर्यवेक्षक और साथ ही साथ आरआई यानी कि हमारे राजस्व निरीक्षक के लिए बैचेस शुरू होनी है बिलासपुर स्थित मंगला चौक ब्रांच, जो कि आप सभी को पता होगा। और समय जो होगा इसका सुबह 7 से 10 बजे तक। डेट आपको मैं बता दूं, जो दिन हम शुरू करने जा रहे हैं वो होने वाला है 27 जून, यानी कि 27 जून से हमारी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। एडमिशंस ओपन है। आप सभी जितने भी विद्यार्थी, चाहे वो आरआई की तैयारी करना चाहते हैं या फिर महिला पर्यवेक्षक का, तो बिल्कुल देरी मत करिए। अब आप बोलोगे सर अभी तो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, अभी तक एग्जाम की तिथि नहीं आई है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विभागीय विज्ञापन जो है, मतलब जो विभाग अपनी तरफ से कहता है कि भाई देखिए हमको इतने पद सृजित करने हैं, इतने जो पोस्ट है जो हमको एग्जाम के थ्रू भरने हैं, भर्ती करनी है, ये हमने दे दिया है आदेश। अब जो आयोग होगा, आयोग इन द सेंस जनरली व्यापम लेता है या पीएससी लेगा, तो पीएससी, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम है जो कभी पीएससी लेता था वो व्यापम ले रहा है, व्यापम वाला पीएससी कर रहा है ऐसा, तो जो भी लेगा चाहे वो व्यापम ले चाहे पीएससी ले, है ना, बहुत जल्द उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। होता यह है कि जनरली जब नोटिफिकेशन आता है तो बहुत जल्दी एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाता है। फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे करें करके, तो आप उसका इंतजार मत करिए। अनलाइक जैसे आपने देखा होगा कि एसआई का जो पेपर है अचानक भयानक उन्होंने ले लिया, मेंस भी हो गया, प्रीलिम्स भी हो गया, रिजल्ट भी अभी आने को है, आपका जो पीएससी का भी जो अभी लटका हुआ था, तो आप उस चीज के लिए वेट मत करें कि कब नोटिफिकेशन आएगा। आप जो है तैयारी करिए, क्योंकि विभागीय जो विज्ञापन होता है, मतलब जो विभाग जो रहते हैं, है ना, कि भाई हमको इतने इतने पोस्ट जो सृजित करने, हमको इतने रिक्वायरमेंट है, इतनी डिमांड है, उन्होंने जारी कर दिया है, तो जो आयोग जो एग्जाम लेगा वो बहुत जल्द अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा। अच्छा, ये तो है इसकी बात। दूसरी, क्या क्या इसके फीचर्स होने वाले हैं, तो फीचर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर शॉर्ट में कुछ चीजें बताई हैं। मैं और एक बार दो तीन चीजें यहाँ पर आपको बता दूं, रिमाइंड करा दूं कि जो पीडीएफ जो है क्लास का, यानी कि क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, ऐप के माध्यम से आपको मिलेगा। जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे, देखिए हमारे पास 3 मोड होगा यहाँ पर, कौन कौन सा होगा, एक तो हमारा सीधा सीधा होने वाला है ऑफलाइन, जिसमें कंप्लीटली आपको लाइव भी रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा, मतलब जो बच्चा ऑफलाइन ऑप्ट करेगा उसको लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, जब तक इसके वैलिडिटी रहेगी तब तक को वो रिकॉर्डेड देख सकता है। आप बोलोगे सर ऑफलाइन हम लिए तो लाइव का फायदा क्या है, कई बार होता ये है ना कि आपने एडमिशन ले तो लिया लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ पाए, अचानक एकदम ज्यादा बारिश हो गया, फैमिली कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी आपका तबियत खराब हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है, तो क्लासेस मिस ना हो इसलिए आपको लाइव फॉर्म में और रिकॉर्डेड दोनों में दिया जाएगा। रेट क्या होगा इसका, 6,000+18% GST, ठीक है। दूसरा जो रहेगा, जो बच्चे बोलते हैं कि सर हम आप लोगों से सर लाइव पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं सर, हम तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम दूर रहते हैं, तो लाइव की सुविधा यहां पे दी गई उनके लिए, और 4,700 रुपए रहने वाले इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब 18% का जीएसटी यहां पर भी लगेगा इसके साथ। और ऐसे बच्चे जो बोलते कि नहीं सर हमारे पास ना लाइव देखने का समय है, ना हम क्लास अटेंड कर नहीं सकते, लेकिन हाँ आप तो हमको रिकॉर्डेड दे दीजिए, तो जो क्लासेस हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग उनको उपलब्ध कराई जाएंगी, वो आपको मिलेगा मात्र 1,800 रुपए प्लस जीएसटी होने वाला, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के हमारे पास सुविधाएं हैं जो इन कोर्सेस को अवेल कर सकते हैं, इन कोर्सेस को ले सकते हैं, है ना। 3 प्रकार से मैंने यहां पर ऑलरेडी चीजें बता दी। फीचर्स के बारे में मैं जो बता रहा हूं कि जो बच्चे यहां पर ऑफलाइन क्लासेस आके अटेंड करेंगे उनको लाइब्रेरी की भी सुविधा मिलेगी। बोले सर लाइब्रेरी का क्या करेंगे, हमको तो पढ़ लेना है ना। एक्चुअली जब आप यहाँ के लाइब्रेरी को आएंगे, देखेंगे, विजिट करेंगे, 4 बच्चों को पढ़ते वहां पर आप देखेंगे, तो आपके अंदर से अलग ही वो मतलब एक प्रोत्साहन जो आता है ना अंदर से, मतलब अंदर से एक मोटिवेशन जो आता है वो आपको खुद वहां पर देखने को मिलेगा कि कैसे बच्चे सुबह से आके शाम तक वहां पर पढ़ते, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर लाइब्रेरी फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। बोले सर ऑनलाइन वाले, बेटा ऑनलाइन वाले तो तुम तो घर से देखोगे, तो तुम कैसे, मतलब तुम क्लास नहीं हो पाओगे, तो लाइब्रेरी तो वैसे भी आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये सुविधा जो रहेगी हमारी ऑफलाइन वाले जो बच्चे रहेंगे उनके लिए रहेगा। बाकी जो है वो आपका नॉर्मल जो सभी बच्चों के लिए होगा, जैसे कि स्मार्ट क्लासेस है जो कि हम डिजिटल बोर्ड पर लेते हैं, एनिमेशंस दिखाते हैं, डेली आपको पीडीएफ मिलेगा, रेगुलर टेस्ट होगा, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर आधारित टेस्ट भी लिया जाएगा। तो ये सारी की सारी हमारे फैसिलिटीज हैं इस बैच से संबंधित। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आ गई होंगी, और देरी नहीं करिए, आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करिए। मैं फिर से बता देता हूं, शुरू होने वाला है 27 जून। एड्रेस होगा ऑफिस जो हमारा होने वाला है मंगला चौक बिलासपुर कोको का, जो हमारा ब्रांच है वहां पर कॉम्पिटिशन कम्युनिटी का। अधिक जानकारी के लिए आप जो दिया गया जो नंबर है इन पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यहां पर नंबर फ्लैश हो रहा है, तो आप इन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं ना। तो आइए और बिना किसी देरी के जो है अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच, जय हिंद, ऑल द बेस्ट। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ।
आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।